अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली तौर पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके जितने भी यूजर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप एक नेटवर्क बना देते हैं। नेटवर्क का असल जो मतलब होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, जब आप उनको कॉमन रिसोर्सेज के लिए शेयर करते हैं तो वो आपका नेटवर्क बन जाता है। अब कॉमन रिसोर्सेज इसमें क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना एक कंप्यूटर लैब बनाई है, उस कंप्यूटर लैब के अंदर 20 मैंने सिस्टम्स रखे हैं। अब हर सिस्टम को मैं प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो हर सिस्टम के साथ मैं अलग अलग प्रिंटर तो नहीं अटैच कर सकता, तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं एक प्रिंटर लूंगा और उस प्रिंटर की एक्सेस जो है वो मैं सारे सिस्टम्स को प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेटवर्क के अंदर बेसिकली तौर पर आपने रिसोर्स की शेयरिंग करनी होती है। इसी तरीके से तो नेटवर्क के अंदर आपके पास एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सारे के सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं। ये बेसिकल तौर पे सर्वर होता है। वो जो मेन कंप्यूटर होता है ना, उस मेन कंप्यूटर को आप सर्वर का नाम देते हैं, और उसी सर्वर कंप्यूटर के ऊपर आपका जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा डाटा, फाइल्स, एप्लीकेशन वगैरह, वो सारी की सारी उसी सिस्टम के ऊपर जाके सेव होती है। और ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर आपको शेयर्ड रिसोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपकी फाइल शेयरिंग होती है, प्रिंटर्स की शेयरिंग होती है, डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की शेयरिंग वगैरह होती है। और ये ज्यादातर आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको ना प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर 20 से 30 अफराद थे, तो वहां पे आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। तो जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं वहां पे फिर आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा ले लेते हैं। कंप्यूटर लैब्स जो होती हैं अक्सर कॉलेजेस की, वो आपकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल होती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है ना सर्वर के ऊपर सब कोई डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए आप इसको टाइटली कपल्ड सिस्टम्स का नाम देते हैं। फिर ये हमारे पास नेटवर्क की एग्जांपल है। आप देखें, ये मेन दरमियान के अंदर आपके पास सर्वर है और साइड पे जितने भी कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे क्लाइंट्स है। आगे हमारे पास एक टर्म आएगी, बल्कि जिन्होंने इंटर के अंदर आईसीएस पढ़ा है, आईसीएस के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहला से दूसरा चैप्टर है नेटवर्क की टाइप, वहां पे आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा होगा। तो ये बिल्कुल वही चीज है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है कि एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं और बाकी जो कंप्यूटर हैं वो आपके एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। तो इसको आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। एडवांटेजेस आपको इसका ये होता है कि आपका जितने का जितना डाटा है ना, वो सारे का सारा सेंट्रलाइज सेव होता है। बैंक जो है ना, बैंक इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। बैंक जो है, इनका जितना डाटा होता है वो सारा का सारा इनका मेन हेड ऑफिस के अंदर स्टोर होता है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप बैंक जाते हैं तो वहां पे आपने जब ट्रांजेक्शन वगैरह करनी होती है ना, तो वो कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसका यही मतलब होता है कि उनका मेन जो सर्वर हेड ऑफिस में पड़ा होता है उसके साथ उनका रबता जो है वो कायम नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब इसका पहला फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपका सर्वर जो है वो सेंट्रलाइज होता है। दूसरा, आपकी सिक्योरिटी इसमें होती है, क्योंकि आपने जितनी भी फाइल्स वगैरह या जितना भी आपने अपना डाटा रखना होता है ना, वो आपने सर्वर पे स्टोर करना होता है। तो जिस सिस्टम ने रखा होता है सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई सिस्टम जो है वहां से डाटा जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। फिर इसके अंदर जो है आपको अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज या हार्डवेयर के अंदर जो अपग्रेडेशन वगैरह होती है ना, वो चेंज करना आसान होती है। फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि आपके पास पहले विंडो 7 हुई थी, अब आप ये चाहते हैं कि हमने विंडो 8 करनी है या विंडो 10 करनी है, तो बजाय हर सिस्टम पे अलग अलग विंडो करने के, आप मेन सर्वर के ऊपर उसकी कॉपी रखते हैं और सारी कॉपी जो है वो सारे सिस्टम के ऊपर शेयर करते हैं, तो वो उनके ऊपर जो है वो विंडो वगैरह इंस्टॉल हो जाती है। इसी तरीके से वो ये बात करता है कि सर्वर के थ्रू आप कहीं पे बैठ के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट तरीकों के साथ अपने सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस के अंदर पहला जो आता है वो आपको सर्वर की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो चूंकि सर्वर ने 20, 25, 30 कंप्यूटर्स को हैंडल करना होता है, इसलिए जो है वो आपको सर्वर काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपका मेन ये जो सर्वर है ना, अगर ये आपका मेन सर्वर जो है ये खराब हो जाए, तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। और तीसरा, इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको इसकी अपडेट, इसकी मेंटेनेंस जो है वो रेगुलरली बेसिस के ऊपर करनी पड़ती है। तो ये 2 से 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ज्यादातर ये हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं।
फिर इसके बाद आता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बेसिकली तौर पे ऐसे टाइम्स पीरियड होते हैं जिनके अंदर ना आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करती हैं और आप उसकी जो है वो जो उसने रिस्पांस करना होता है आप उसका वेट करती हैं। बेसिकली तौर पे रियल टाइम के अंदर आप इसकी जो इनपुट होती है या आउटपुट होता है उसको आप रियल टाइम के अंदर देखती हैं। जितने भी आपके पास रोबोटिक्स होती हैं या आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं या माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह होते हैं या जितने भी आपके साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर आप क्या होता है कि आप बेसिकली तौर पे उसको इनपुट देती हैं, फिर इनपुट के नतीजे में वो आप थोड़ी देर इंतजार करते हैं और वो फिर आपको आगे जो है वो उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। तो वो जो बेसिकली तौर पे टाइम इंटरवल होता है ना जिसमें आपको वेट करना पड़ता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, उस टाइम इंटरवल को आप रिस्पॉन्स टाइम का नाम देते हैं। क्लियर होगी जी बात। ये हमारे पास होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है आपके पास स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशल पर्पस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको आपने स्पेसिफिक किसी एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है उसको आप स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। अब स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से आ सकते हैं? रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली तौर पर आपके पास ऐसे सिस्टम होती हैं जो कि किसी दूसरी डिवाइस के अंदर एम्बेड किए जाती हैं। इनका अपना कोई मकसद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं, माइक्रोवेव ओवन के ऊपर आपने एक मिनट का टाइमर लगाया होता है कि एक मिनट बाद आपका माइक्रोवेव ओवन जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब उसको कैसे पता लगता है कि उसने एक मिनट के बाद ऑफ हो जाना है? तो उसके अंदर आपने बेसिकली तौर पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑलरेडी सेव कर दी होती है। तो माइक्रोवेव ओवन जो है ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। या आजकल जो आपके पास वॉशिंग मशीन आ रही हैं, जिनके पास आजकल की लेटेस्ट वॉशिंग मशीन हैं, जो खवातीनों हजरात कपड़े धोते हैं उनको तो इस बात का ज्यादा पता होगा कि आजकल जो लेटेस्ट मशीन आ रही हैं उनके अंदर वॉशिंग मशीन हो गई या आपके पास एसीज हो गया, आप उनके ऊपर टाइमर लगा देते तो वो बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर एम्बेड किए होते हैं। ऑटोमेटिक कार्स हैं आपके पास, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। ऑटोमेटिक जो कार्स हैं वो इसकी एग्जांपल है हमारे पास। क्लियर होगी ये बात। इसको हम रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स का नाम देते हैं। फिर आता है हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम। पहले समझे मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया से मुराद होता है ये जो आपके पास एनिमेशंस होती है, वीडियो हो गया या ऑडियो वगैरह हो गया, इसकी जो कलेक्शन होती है ना इसको आप मल्टीमीडिया सिस्टम्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो कि बेसिकली तौर पे इस मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन किए जाए होंगे उनको हम मल्टीमीडिया सिस्टम्स का नाम देते हैं। इसके अंदर 3Ds भी आपके चलते हैं, MP3, DVD, मूडी मूवीज वगैरह आप चला लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस आप इसके ऊपर कर लेते हैं, आपको शॉर्ट वीडियोज वगैरह होती हैं या क्लिप्स वगैरह जो मूवीज के होते हैं वो आप इसके ऊपर चलाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हो उनको आप नाम देंगे मल्टीमीडिया सिस्टम्स का। हैंडहेल्ड सिस्टम, ये बेसिकली तौर पे एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके हाथ के अंदर पूरे आ जाते हैं, छोटी डिवाइसेस होती हैं।